सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने अपनी हर ऑप्शन ओपन रखी है, इस तरह का कल सीबीआई की ओर से स्टेटमेंट आया था। अब सीबीआई जो है उस आई विटनेस को भी समन कर सकती है जिसने 13 को सुशांत और रिया को साथ में देखा था। जी हाँ, यही खबर आ रही है सीबीआई के सूत्रों की ओर से कि अब 13 तारीख को जिस शख्स ने रिया और सुशांत को साथ में देखा था उसको अब समन भेजा जाएगा। आज एक पड़ोसी से, जो रिया के पड़ोसी हैं, उनसे रिपब्लिक की एक रिपोर्टर ने बात की और फ़ोन पर जो कॉन्वर्सेशन हुआ उसके हिसाब से उस नेबर ने बताया, महिला जो पड़ोसी हैं उनकी, कि मैंने नहीं देखा था लेकिन मुझे किसी ने बोला कि उन्होंने देखा था 6:30 बजे सुशांत छोड़ने आए थे रिया को। उन्होंने ये भी बताया कि ये तब की बात है जब सीबीआई में मामला गया भी नहीं था और रिया ने कुछ बोला भी नहीं था, उस समय ही मुझे उस शख्स ने बताया था कि अरे मैंने कल 13 तारीख को ही तो देखा था अभी सुशांत को, वो रिया को जो है छोड़ने आया था घर के नीचे और वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। तो इस तरह का बयान जो है उस महिला पड़ोसी ने रिपब्लिक से बातचीत के दौरान दिया। अब रिपब्लिक का दावा है कि सीबीआई उस आई विटनेस को समन भेजने वाली है जिसने 13 को रिया और सुशांत को साथ में देखा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यानी कि सीबीआई ने अपनी जांच क्लोज नहीं की, सीबीआई ने ये पूरा चैप्टर क्लोज नहीं किया, ये अभी जांच जारी है। जैसा कि खबर आ रही थी कि वो सारी जितनी भी फाइनल रिपोर्ट्स आई हैं उसका एनालिसिस करेंगी और अपनी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी। तो अब खबर आ रही है कि सीबीआई उस पड़ोसी को, उस शख्स को, उस आई विटनेस को जिसने इन दोनों को साथ में देखा था उसको बहुत जल्दी समन भेजने वाली है।